पुलवामा अटैक के बाद भारतीय वायुसेना ने जिस प्रकार पाकिस्तान पर हमला कर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाई गई है और सेना अलर्ट पर है। सिरसा की बात करें तो सिरसा एयरफोर्स स्टेशन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एयरबेस है। 1971 युद्ध में सिरसा एयरफोर्स स्टेशन ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि सिरसा एयरबेस अति संवेदनशील माना जाता है। किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले स्थानीय प्रशासन को भी कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी के तहत जिला उपायुक्त ने अपने सभी विभागों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा अपनी सेवाएं अलर्ट मोड पर रखी जाए। साथ ही जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, क्रेन, जेसीबी इत्यादि की सुविधाओं को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा नागरिक अस्पताल व ब्लड बैंक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं। वहीं राशन, डीजल और पेट्रोल सामग्री के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। तनाव को देखते हुए सिरसा रेलवे स्टेशन पर भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। रेलवे पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की गहनता से चेकिंग की गई। साथ ही ट्रेन में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे पुलिस से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन सिरसा के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी निर्देशों तक चेकिंग अभियान जारी रहेगा। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। प्रॉपर अलर्ट चल रहा है हमारे यहाँ। प्रॉपर गाड़ियाँ चेक करते हैं, पैसेंजर वो सब सामान चेक करते हैं। बिल्कुल जारी रहेगा जब तक देश पर आपातकालीन रहेगी। हर एक गाड़ी को 24 घंटे तो जी सारी गाड़ियाँ चेक करी जा रही हैं। प्लेटफॉर्म ड्यूटी सारा कुछ सामान आँदे आँदे यात्रियों सब चेक कराया जा रहा है। अगे जारी रहेगा जी, ऐसे ही रहता है।